अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए मज़ेदार आलू और अंडे के सैंडविचेस। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल गोश्त पसंद नहीं होता, इनको ये ट्राई करके देखें, आपके बच्चे इंशाल्लाह ताला बहुत शौक से खाएंगे। सबसे पहले हमने लिए आलू, आलू को हमने बॉयल कर लिया है, अंडों को भी हमने बॉयल कर लिया है। उसके अलावा हमने काली मिर्च ली है, पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ग्रीन चिली ली है, ऑनियन लिया है चॉप किया हुआ, और टमाटर लिया है, और कसूरी मेथी ली है। इसके अलावा सूखा धनिया लिया है, नमक लिया है और ज़ीरा लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अब करते हैं मिक्स, एक बाउल में डाल लें। सबसे पहले हम आलू डालेंगे, आलू को मैश कर लें। मैश करने के बाद इसमें आप ये डाल लें मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, प्याज डाल लें, काली मिर्च डाल लें, ये सब आप अपने मुताबिक डाल लें, ठीक है ना। ये मैंने कसूरी मेथी डाल ली, टमाटर डाल लिए, और इसके अलावा मैंने ये डाल लिए नमक, ज़ीरा और धनिया। इसके अलावा ये अंडे, इन सबको हम मैश कर लेंगे, और इसके साथ हमें चाहिए ब्रेड। चलें इनको मैश करते हैं अब जी। तैयार करने के बाद ये कुछ इस तरह का मेज़ा बन गया है हमारे पास। अब इसको हम रखेंगे ब्रेड के अंदर, ये हम इसे मसाले को ब्रेड इससे फिल करेंगे। इस तरह हम पीस तैयार कर लेंगे ब्रेड का, इसके ऊपर रख देंगे दूसरी ब्रेड। अब हम लगाएंगे सैंडविच मेकर को थोड़ा सा ऑयल, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा लगा लें। इसके ऊपर रखते हैं आप सैंडविचेस, इसी तरह दूसरा सैंडविच लें, इसको इधर रख दें। इसके ऊपर भी हल्का सा घी या ऑयल जो आप पसंद करते हैं वो लगाएं। और अब इसको कर देते हैं बंद। अब खोल के देखते हैं कि सैंडविचेस तैयार हो गए। ये देखिए कितने अच्छे तैयार हो गए हैं सैंडविचेस। इसको हम निकालते हैं। इसी तरह दूसरा निकालो, इसको करते हैं बंद। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे रखेंगे बच्चों के लंच बॉक्स में। ये इसके कर देंगे पैक। इसमें थोड़ी सी डाल देंगे केचप,
यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।